Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy and yes, Samridisha is here to guide you. और आज मैं आपको Kant Lectures on Homeopathic Philosophy that is by Dr. Samriddhi Sharma जो मैंने ही author की है उसका book review करने वाली हूँ. उसके बारे में आज आपको बताने वाली हूँ कि ये book जो है उसको आप को पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है, किन को ये किताब ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए और परचेज़ लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप इस बुक को बाय कर सकते हो. ऑलराइट, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं. तो ये जो बुक है कैंट लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फ़िलोसॉफ़ी वो ऑथर्ड बाय डॉक्टर समृद्धि शर्मा जो कि मैं ही हूँ और इसका जो फॉरवर्ड दिया है वो दिया है डॉक्टर राजकृति धाकड़ जो कि BHMS MD होम्योपैथी में हैं एंड गोल्ड मेडलिस्ट इन ऑर्गन ऑफ मेडिसिन. ऑलराइट, तो इन्होंने कुछ बातें इस बुक के बारे में लिखी है वो आप पढ़ सकते हो और साथ ही साथ ये जो बुक है ये किन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर किन लोगों को इस बुक को परचेज करना ही करना है. इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बुक फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में हैं जो कैंट फिलोसॉफी पढ़ते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि इसमें से पढ़ना क्या है. बिकॉज कैंट फिलोसॉफी में आप देखोगे स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है, स्कैटर्ड वे में वो लिखी हुई है कि आपको क्या करना होता है कि आपको पन्ने पलटते हो और आप देखते हो कि अगर कोई चैप्टर जो है वो 16 पन्नों का है, ठीक है, तो क्या होगा कि आप जब देखते हो तो एक इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज में मिल गई, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो थी ज़रूरी वो आपको नेक्स्ट पेज में मिली और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन थी उस टॉपिक के रिगार्डिंग वो आपको मिली लास्ट पेज पे. तो एक तरीके से इस बुक को इस तरीके से लिखा गया है कि जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फो है रिगार्डिंग दैट टॉपिक वो सारा एक सीक्वेंस में कवर हो जाए. जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे सबसे पहले लिखा गया है, जो थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा बाद में लिखा गया है. तो एक तरीके से इस बुक को इस तरीके से लिखा हुआ है. एक ये नोट्स फॉर्म में ये बुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है इजी एक्सप्लेनेशन प्लस नोट्स. जो मैंने एक्सप्लेन किया है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि हाँ ये चीज़ स्टूडेंट को नहीं समझ में आती है तो उस चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता रखा है. दूसरा, नोट्स फॉर्म में जो है इस बुक को लिखा गया है तो अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम आ रहे हैं और कैंट फिलोसॉफी उन्हें समझ में नहीं आ रही तो उनके लिए बुक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको इससे पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम में और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये बुक है. जैसे कि हम देखते हैं इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ इस बुक का कि जो ड्रग प्रूविंग है, ठीक है, ड्रग प्रूविंग जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आती कि भाई एग्ज़ाम में लिखना क्या है, ठीक है. तो आप क्या करोगे कि इसके ड्रग प्रूविंग पोर्शन में जाना, जो ड्रग प्रूविंग लेक्चर है उसमें, और उसको लिखा भी इस तरीके से गया है कि आपको कुछ और फिर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ जाएगा. तो देखिए, जैसे मैंने ड्रग प्रूविंग वाला चैप्टर इसमें खोल लिया है, दैट इज़ लेक्चर 25 एंड द स्टडी ऑफ प्रूफ. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आराम से मैंने इस तरीके से आपको ड्रग प्रूविंग इसमें मिल जाएगी, आराम से बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन जो है वो दे रखा है कि एफोरिज्म 113 में क्या बोला, 114 में क्या बोला, इस तरीके से इसको लिखा हुआ है. यानी कि एक नोट्स फॉर्म भी हो गई और आपके अच्छे से एक्सप्लेनेशन के लिए भी हो गया. तो इसी तरीके से सारे जो टॉपिक्स हैं उनको लिखा हुआ है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि नोट्स ही हैं जो हम पढ़ रहे हैं. आप इसको रीड आउट करोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको इस बुक में ऐसा लगने वाला है कि हर चीज़ जो है वो हमें बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन की हुई है और नोट्स फॉर्म में उस चीज़ को प्रोवाइड किया गया है. तो आई रिकमेंड दिस बुक फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम आने वाला है और उनको जो है बिल्कुल ये मैटर चाहिए कि भाई एग्ज़ाम में लिखना क्या है, उनके लिए बुक इम्पॉर्टेंट है. जिन लोगों को कैंट फिलोसॉफी समझ नहीं आती, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है, उनके लिए बुक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और अब कुछ ऐसे टॉपिक हैं दैट यहाँ पे आप देख सकते हो 8 चैप्टर और 8 लेक्चर सिंपल सब्सटेंस, ठीक है. सिंपल सब्सटेंस आपके क्वेश्चन में पूछा ही पूछा जाता है. कैंट जो है वो फेमस सिंपल सब्सटेंस से बहुत ज़्यादा है, तो सिंपल सब्सटेंस पूछा जाता है लेकिन समझ किसी को आता नहीं है कि है क्या. तो आप यहाँ पे इस चैप्टर में देख सकते हैं कि इसको कितना रिफाइन करके लिखा हुआ है, सिंपल सब्सटेंस को बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है. इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि सिंपल सब्सटेंस है क्या
और सिंपल सब्सटेंस की क्वालिटीज़ क्या है, सिंपल सब्सटेंस का यूज़ क्या है। आप जब कैंट फिलोसॉफी को देखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने ये बुक देख ली और इस बुक को आपने देख लिया तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सिंपल सब्सटेंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। कि ये भी समझ आ जाएगा कि है क्या, ये भी समझ आ जाएगा पेपर में क्या लिखना है, और ये भी समझ में आ जाएगा कि हमें क्या किसी को बताना है। अगर कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि व्हाट इज सिंपल सब्सटेंस, सो यू कैन ईजिली आंसर दैट क्वेश्चन। एक है चैप्टर जो काफ़ी ज़्यादा है, लॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर, और ये पूछा जाता है। ये ऐसे सवाल हैं जो पूछे ही जाते हैं और जिनका आंसर जो है आपको समझ नहीं आता कि लिखना कहाँ से चालू करें, क्योंकि हम जब कैंट फिलोसॉफी को पढ़ने बैठते हैं तो हमें यही समझ नहीं आता कि इसमें से हमने इतने पन्ने पढ़ तो लिए लेकिन अब लिखना क्या है वो हमें नहीं पता। अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया वाइवा में तो हमें बोलना क्या है हमें वो नहीं पता। तो मैं आपको बता दूँ कि ये बुक जो है वो हाईली रिकमेंडेड बुक है इन सारी चीज़ों के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बुक को देखना है। नाउ चैप्टर फोर्थ है, दैट इज लॉ ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम सेंटर, और ये भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, तो उसको भी आराम से अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, अच्छे से इस बुक में जो है बता रखा है। ठीक है, वही इन्फॉर्मेशन दी है जो आपको जानना ज़रूरी है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है, जो एग्जामिनर को बोलना ज़रूरी है, वाइवा में आपको बताना ज़रूरी है, वही जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बुक में दी हुई है। तो ये जो बुक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए। आप इस बुक को जो है परचेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ पे आपको परचेज लिंक मिल जाएगा इस बुक का, वहाँ जाकर आप इसको परचेज कर सकते हो। और जिन भी लोगों ने इस बुक को ऑलरेडी परचेज कर लिया है वो जो है आप अपने जो व्यूज़ हैं रिगार्डिंग दिस बुक, या फिर जो मेरी प्रीवियस बुक आई थी मियाज़म अ सिंप्लीफाइड व्यू, उस पर जो भी आपके सजेशंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं, या फिर आपके जो व्यूज़ हैं वो आप जो हैं शेयर कर सकते हो। एक लाइन में मैं आपको कहूँ इस बुक के बारे में, तो जो भी चैप्टर्स आपको कैंट फिलोसॉफी में मिलते हैं वो सारे के सारे चैप्टर आपको इसमें इस बुक में मिल जाएंगे। तो जिनको भी जो भी दिक्कत आ रही है जिस भी चैप्टर में कैंट फिलोसॉफी में, वो आप इस बुक में जाके उस चैप्टर को देख सकते हो। बहुत ही आसानी से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, इजी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर रखा है। आपको एक तरीके से नोट्स बनाकर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं हर चैप्टर के, तो आप जो है देख सकते हो इस बुक को, और बहुत ही हेल्प होने वाली है आपकी इस बुक से कैंट फिलोसॉफी को लेकर। कैंट फिलोसॉफी को जो भी नहीं समझ पा रहे हैं और जिनको भी दिक्कत आ रही है कोई भी चैप्टर में, वो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी इस बुक से सॉल्व होने वाली है। बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ ही साथ नोट्स फॉर्म में इस बुक को लिखा गया है कि आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि एडिशनल नोट्स मुझे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब जो है वो इन्होंने आराम से प्रोवाइड कर रखा है। जिन्होंने इसको ऑलरेडी परचेस कर लिया है और जिनको जो है ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद आई है, या जो भी रिकमेंडेशंस हैं, व्यूज़ हैं, वो सारे आप जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देना, या फिर जहाँ पे ये बुक अवेलेबल है वहाँ पे आप जो है रिव्यूज़ दे सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नो होम्योपैथी।